जर्स न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शायका। 45 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था। दुनिया के जिस सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक हम होने की बात दुनिया को बड़े फख्र से बताते हैं, उस आपातकाल को लोग आज तक नहीं भुला पाए। नई पीढ़ी ने आपातकाल का दंश भले ना झेला हो, लेकिन इंदिरा गांधी का ये आपातकाल इतिहास के पन्नों में काला अध्याय के रूप में दर्ज है। और मौजूदा राजनीतिक पार्टियां आज भी कांग्रेस और इंदिरा गांधी को इस फैसले के लिए कोसती है। बड़ा सवाल यह है कि इंदिरा गांधी की ऐसी क्या मजबूरियां थी जिसकी वजह से इमरजेंसी लगा। जून की सुबह 7 बजे इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए जनता को संबोधित कर आपातकाल लगाने के फैसले के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ गहरी साजिश रची गई है, जिससे वो आम आदमी के फायदे के लिए किए जा रहे प्रगतिशील उपायों को ना कर सके। इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी को ऐसे बताने की कोशिश की कि उन्हें विदेशी हाथों से देश की रक्षा करने के लिए इस तरह के कदम उठाना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के पीछे असली कहानी क्या है। 1971 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के नेता राज नारायण को इंदिरा गांधी ने रायबरेली से हरा दिया। राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर आरोप लगाया कि इंदिरा ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीता। इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा। वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री के कोर्ट में पेश होने का पहला मामला था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी को दोषी पाया। रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध ठहरा दिया गया। उनकी लोकसभा सीट खाली घोषित कर दी गई और उन पर अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि वोटरों को रिश्वत देने और चुनाव धांधली जैसे गंभीर आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इंदिरा गांधी ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 24 जून 1975 को जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इंदिरा गांधी को सांसद के रूप में मिल रही सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी, मगर साथ ही कहा कि वो अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आने तक नैतिक तौर पर इंदिरा गांधी के इस्तीफे पर अड़ गए। एक तरफ इंदिरा गांधी कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें घेरने में जुटा हुआ था। गुजरात और बिहार में छात्रों के आंदोलन के बाद विपक्ष कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गया। लोकनायक कहे जाने वाले जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्ष लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, आचार्य जेबी कृपलानी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जैसे तमाम दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद थे। जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की मशहूर कविता की एक पंक्ति से की, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश नारायण ने रैली को संबोधित करते हुए लोगों से इंदिरा सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी की स्थिति नाजुक हो गई थी। इंदिरा गांधी की हालत विपक्ष के तेवर को देखकर और ख़राब हो गई। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी की घोषणा पत्र पर दस्तखत करा लिए। इसके तुरंत बाद जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई समेत सभी विपक्षी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। आज़ाद भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था।
जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक तानाशाही में बदल दिया था। 21 महीने के आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों को जेल में डाल दिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, संविधान द्वारा दिए गए मूलभूत अधिकारों को खत्म कर दिया गया, नागरिकों से कोर्ट जाने का अधिकार भी छीन लिया गया। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए और नागरिक अधिकारों को खत्म करके मनमानी की गई। राजनेताओं, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। कई तरह से अत्याचार किए गए, जैसे कि बड़े पैमाने पर नसबंदी का आदेश दे दिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर पुरुष नसबंदी अभियान चलाया गया। जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सर्वाधिक काली अवधि कहा था। आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत कार्रवाई की गई। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, धरना, घेराव, सत्याग्रह पर रोक लगा दी गई। यहाँ तक कि आम आदमी को भी नहीं बख्शा गया और सिर्फ आपातकाल या इंदिरा या सरकार की आलोचना करने तक पर गिरफ्तारी हो रही थी। ऐसे कई उदाहरण थे जहां व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए भी मीसा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया था। गिरफ्तार लोगों की संख्या जेलों की सीमा से अधिक थी। ऐसे में कई लोगों को सिर्फ खंभे और जंजीरों से बांध दिया गया। लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए कुछ नेता भूमिगत भी हो गए थे। इमरजेंसी के दौरान कुछ नेता भेष बदल कर रहे। आरएसएस जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसके अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ नेताओं ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए कुछ नेता भूमिगत भी हो गए, जिससे वो जेल में बंद नेताओं की आवाज़ जनता तक पहुँचा सके, जैसे नरेंद्र मोदी। वो उस वक्त 25 साल के थे। इंदिरा गांधी के सबसे मुखर आलोचक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने गिरफ्तार होने से बचने और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए आपातकालीन अवधि तक सिख बनकर रहे। इंदिरा गांधी और कांग्रेस को आपातकाल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी खत्म कर चुनाव की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद पहली बार देश में गैर कांग्रेसी जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई ने सत्ता संभालते ही मई 1977 को जस्टिस जेसी शाह के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन किया, जिसका काम आपातकाल के दौरान हुई जातियों की जांच कर रिपोर्ट सौंपना था। भारत के इतिहास और राजनीति के लगभग सभी विद्वान एकमत है कि इंदिरा गांधी के खिलाफ आए इलाहाबाद कोर्ट के इस फैसले ने देश की राजनीति इतिहास निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि अगर यह फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ ना जाता तो देश में शायद ही आपातकाल लगाने की नौबत आती।